In an exclusive interview with NNIS, BJP spokesperson Sambit Patra today lashed out at the UP government for indulging in crimes like rape. He reacted sharply to the recent rape of a minor by two policemen in Badayun. ये बहुत ही निंदनीय है. जब रक्षक खुद भक्षक बन जाए, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है. आज उत्तर प्रदेश में खुद सरकार, जिसको कि चौकीदार का काम करना चाहिए, वही बलात्कार को अंजाम दे रही. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है. आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चरमरा गई है, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अपने देश के, अपने प्रांत के कानून व्यवस्था को छोड़कर वो जनता परिवार और उसके राजनीति में लगे हुए हैं, बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश के राजनेता, समाजवादी पार्टी के राजनेता, अपने राज्य में ध्यान दें. पुरानी चीज़ काम करना बंद कर दे तो नई चीज़ आनी चाहिए. ठीक उसी प्रकार योजना आयोग काम नहीं कर रही थी, और ये हम खुद नहीं, मनमोहन सिंह जी भी कह रहे थे कि इसे बदलने की आवश्यकता है. राजीव गांधी जी ने इसे बंच ऑफ जोकर्स कहा था. चिदंबरम साहब ने भी कहा था ये काफ़ी बड़ा है और ये फंक्शन नहीं कर रहा है. ऐसे में जो हिम्मत दिखाई है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है कि इसे बदलना चाहिए. तो इससे आपत्ति क्यों हो रही है कांग्रेस को? क्या राज्यों को फेडरलिज्म के अंतर्गत ज़्यादा पावर नहीं मिलना चाहिए? क्या राज्य अपना पैसा कैसे खर्चा करे इसका निर्णय राज्य नहीं ले? अगर राज्यों को ज़्यादा पावर मिल रहा है तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो? पावर्ड बाय NNIS.